इतना उसका मैं रिव्यू करता हूँ और उसकी अनबॉक्सिंग तुम ही करोगे। तो उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मेरे अंकवीर, अरे भैया रवीर भी आ गए हैं। सबमिट करने के बाद गाड़ी हमारी तैयार होने वाली है, तो अभी दिखाते हैं आपको कैसे सबमिट कर रहे हैं। और ये देखिए अभी से सवारी करने जा रहा हूँ। ये अंधेरे में अच्छी लगी, अंधेरे में। तो दोस्तों देख रहे हैं आप मेरे बेटे की नई साइकिल आई है जो ऑनलाइन मंगाई गई है, और इसको अनबॉक्सिंग करते हुए बड़े मुझे खुशी हो रही है। BMX बाइक है, 26T है, वाइट कलर की है। मेरा बेटा इसे खोल रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने कई सारे रिव्यू दिए जो करता हूँ, और जीनन चीज़ होती है तो मैं आपके पास भी जरूर रिव्यू इसको भेजता हूँ। देखिए मैं भेज रहा हूँ, ये देखिए मेरा लड़का खोल रहा है, अभी खोल के आपको दिखा रहे हैं। देखो ये आरवीर अपना गिफ्ट जो है खोल रहे हैं, और मैं आपको अंकवीर अपना गिफ्ट खोल रहे हैं, और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि 28 नवंबर को मेरे बेटे का बर्थडे है ना, 28 नवंबर। हाँ, तो आप सभी मेरे बेटे के लिए थैंक यू विश ज़रूर करें, मेरे बेटे के लिए हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करिए। ये मेरे बेटे के लिए साइकिल आई है गिफ्ट में, और ये देख रहे हैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा है, बड़ी फनी तरीके से कोशिश कर रहा है, खोल नहीं पा रहा है। और मैंने कहा है तुम्हारा गिफ्ट है तो तुम ही खोलोगे, उसकी अनबॉक्सिंग तुम ही करोगे। तो उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मेरे अंकवीर, इनका यूट्यूब चैनल अंकवीर फनी वीडियोस, देखे जाके उसमें भी बड़े फनी वीडियोस बनाते हैं, रिव्यू देते हैं, गेम रिव्यू करते हैं, देखिएगा उसमें भी। मैं आपको यह दिखा रहा हूँ, देखिए अंकवीर के बड़े भैया रवीर भी आ गए हैं अंकवीर की मदद करने। अंकवीर अकेले बड़े परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने कहा लाओ उनकी हेल्प कर देते हैं। आखिर भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे। देखिए अनबॉक्सिंग हो रही, ये देखिए देखिए इनके बड़े भैया आ गए हैं इनकी हेल्प करने के लिए। ये देखिए फाइनली गाड़ी बाहर आ चुकी है, और आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पार्ट्स में है, अब इसको खुद ही इनको असेंबल करना होगा। देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे होगा। वाह, इन्होंने बता दिया मेरे पापा करेंगे। ये देखिए इसके मडगार्ड, इसको मडगार्ड भी कहते हैं, आगे और पीछे के मडगार्ड दिए हुए हैं। और इस बॉक्स में तो कुछ है नहीं, ये बॉक्स तो बहुत अच्छा है, इसमें किसी भी दो आदमी को लेटा के पैक कर सकते हैं। कम से कम 1000-2000 का तो डिब्बा का खर्चा होगा। ये है, इसमें भी कुछ सामग्री आई है, 2060, देखते हैं क्या हो सकता है, कोई काम की चीज़ आगे टूट जाएगी। सब कुछ असेंबल्ड है, हैंडल और पहिया असेंबल्ड करना है। रुको, आ गया, निकल गया। ये पूरी गाड़ी असेंबल करनी होगी, इसमें शायद गद्दी है, गद्दी यहाँ दी हुई है, गद्दी इसमें रखो। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, वाटर बोतल आ गई है, बैक लाइट, बैक रिफ्लेक्टर और आगे का रिफ्लेक्टर, पैडल, और साथ में टूल्स दिए गए हैं जिससे गाड़ी को असेंबल किया जाए। बहुत चमक रहे हैं टूल्स, लोहे के हैं, स्टील का लंकी है। ये देखिए अब इसको असेंबल्ड किया जा रहा है, असेंबल्ड करने के बाद गाड़ी हमारी तैयार होने वाली है। तो अभी दिखाते हैं आपको कैसे असेंबल्ड कर रहे हैं, और ये देखिए अभी से सवारी करने जा रहे हैं।
ये देखिए बॉटल हमने यहाँ इसको फिक्स कर दिया है। अब हम इसकी गद्दी को फिक्स करने जा रहे हैं लंबाई के हिसाब से। कितनी रखनी है ऊंचाई के हिसाब से? बस इतनी नहीं, सॉरी बस बस बस। अब इसको भी कस दिया जाए। हमारे पास टूल्स मिले हुए हैं, देखते हैं कौन टूल्स काम करता है या नहीं करता है। तो करता तो है यार, देख लीजिए टाइट करके। इसको बढ़िया तैयारी करके और टाइट कर देंगे। गद्दी देखो सर सीधी है। हाँ जी स्ट्रेट। यस सामने। यस घूम रही है। यस नो अरे घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही क्यों घूम रहे? क्योंकि अभी टाइट ही हो रहा है, टाइट होने में समय लगता है और टाइट हो रहा है और टाइट हो रहा है। अभी टाइट होने में लाइट जलाओ। लेजर लेजर दिखेगी नहीं, ये देखो दिख रही है, लेजर दिख रही है। इंडिकेटर, इंडिकेटर में भी कई सारे मोड हैं। आपको रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लगे रहे मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए इसी तरह मोटिवेशनल, एजुकेशनल और रिव्यू बहुत सारे लेकर आता रहूँगा, बहुत सारे अनबॉक्सिंग लेकर आता रहूँगा। देखते रहिए मेरे इस YouTube एजुकेशन करिश्मा चैनल।